नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर खाकी पर सवाल उठे हैं। आरोप है कि धारा 302 में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी जरवल रोड पुलिस द्वारा की गई थी। चार दिनों तक आरोपियों को थाने में हिरासत में भी रखा गया। चार दिनों के बाद आरोपियों को थाने से कोतवाल मधुपनाथ द्वारा आजाद कर दिया गया। आरोपियों की रिहाई की सूचना से क्षेत्र में जनाक्रोश फैल गया। पीड़ित पक्ष का कुनबा एसपी से मिलकर रिहाई के पीछे सौदेबाजी का आरोप लगाया। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने एवं कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपको बताते चलें कि थाना जरवल रोड निवासी प्रेम नारायण के पुत्र धर्मराज की हत्या बीते 21 जून 2018 को कर दी गई थी। धर्मराज की लाश रिठौड़ा सपसा के मध्य विनोद के गन्ने के खेत में मिली। मृतक के पिता प्रेम नारायण की तहरीर पर बड़ी जद्दोजहद के बाद गुड्डू, पप्पू, किशन और बब्बू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। मृतक के पिता प्रेम नारायण के अनुसार चारों नामजद आरोपियों को प्रभारी निरीक्षक मधुपनाथ मिश्र ने 22 जून 2018 को हिरासत में लिया था। उसके बाद कोतवाल अवकाश पर चले गए। वापस आते ही सभी आरोपियों से सौदेबाजी कर 27 जून 18 को थाने से रिहा कर दिया गया। अभियुक्तों की रिहाई के विरुद्ध मृतका का कुनबा 28 जून को एसपी सभाराज यादव से मिलकर उन्हें प्रार्थना पत्र सौंपा। मृतक के पिता प्रेम नारायण ने आरोपियों के रिहाई के बदले 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। बड़बोले विधि विपरीत कारनामों को अंजाम देकर सुर्खियों में रहने वाले कोतवाल मधुपनाथ मिश्र के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक क्या रुख अपनाते हैं, ये तो भविष्य तय करेगा। कोतवाल के इस कारनामे से खाकी निसंदेह एक बार फिर से शर्मसार हो गई है। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक से बात की गई तो उनका कहना था कि चार दिनों से हत्या आरोपियों को हिरासत में रखने और पीड़ित पक्ष द्वारा कोतवाल के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों के बिंदुओं पर जाँच होगी, गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने कहा कि डीआईजी के आदेश पर इसकी जांच प्रारंभ हो चुकी है। कैस तारीख के हमारे आदमी के मार्डल किहीन, इसके बाद में अब पुलिस वाले हमारा सुनवाई थाने वाले नहीं किहीन। बब्बू, जसवंत, पप्पू, अकालिया, लाला, ये सब कोई मिलके हमारे आदमी के मॉडल की ही है, हमारा सुनवाई थाने में है नहीं करा हूँ। जाते साहेब सात दिन बंद रहे, इसके बाद में है छोड़ दिन गए हैं साहेब। 5 लाख रुपया दे के कुछ सुनवाई हमारा नहीं किन जाता थाने में है साहेब। सात लड़का हैं इनका, लेके साहेब कहा करी बुढ़िया बुढ़वा हैं इनका, कहाँ कहाँ हुआ हम चले जाए लेके साहेब, नहीं तो मिट्टी तेल छोड़ के फूंक दिन जाए साहेब। इस 7 साल लड़का लेके हम कहाँ बिला जाब है, और ये बुढ़िया बुढ़ा कुछ कह नहीं पाओ था, कहाँ हम लेके भाग जाब साहेब। हमारा एफआईआर थाने में नहीं लीन जा था, सुनवाई नहीं हुआ था जी। हमारे आदमी गए सवेरे बुढ़ो हमारे, पोस्ट मास्टर की रिपोर्ट आने, पोस्ट मास्टर की रिपोर्ट कहीं नहीं है, क्या करे आए हो थाने से भगा दी नहीं है। और साहेब तक दो पुलिस आए हैं हमारे आदमी का बैठा ले गए हैं जबरिया। और साहब बताओ हमारा लड़का मार डाल नहीं है, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ था, और जबरदस्ती बला ले जाते हैं, पता नहीं कहाँ करवा हुआ था। और साहब अब बताओ 7 लड़के हैं हमारे पीछे, अब वही कहाँ खा लिए हैं, नान नान लड़का तो वही कहाँ खा लिए, कहाँ हम दो जने खा ले, कहाँ हम मर जाए, कहाँ उनका धसाए दे पानी में। यहाँ पोस्ट मास्टर रिपोर्ट तक दे तो नहीं है हमका, तो हम साहब कहा करी बताओ, जो बताओ तुम साहब हम करी। हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत कमजोर आदमी हैं, हमारे घर घर पर फूस नहीं है, लड़कन का खाना नहीं है, मांग मांग सीधा आवत है, चुटकी चुटकी सब लोग देते हैं, तो शाम को हमारे लड़का को खिलाते हैं। उसमें क्षेत्राधिकारी को मेरे स्तर से निर्देश दिए गए हैं इस साक्ष के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व विवेचना शीघ्र रिपोर्ट करके अवगत कराएं। कप्तान साहब, अगर ऐसा मामला है तो इस मामले को कितना संगीन मामला मानते हैं? ये गंभीर मामला है, इसीलिए इसमें जांच कराई जा रही है, और जिसकी भी भूमिका इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।